फिल्म में दिशा सालियान को लेकर बड़ी चर्चाएं चल रही हैं और आप जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिरकार रूही फिल्म से दिशा सालियान का क्या लेना देना है। चलिए तो आपको बताती हूँ। नमस्कार, मैं हुरदम ठाकुर, स्वागत करती हूँ आप सभी का बॉलीवुड हेडलाइंस में। वर आपको बता दूं कि दिशा सालियान दरअसल जिस समय उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, जिसे सुसाइड और मर्डर दोनों की कहानी गढ़ी गई है। वर आपको बता दूं कि दरअसल रूही फिल्म में वरुण शर्मा भी है और वरुण शर्मा को मैनेज कर रही थी दिशा सालियान। दिशा सालियान ने ही आगे बढ़ाया था यहाँ पर वरुण शर्मा को इस फिल्म के लिए। बता दूं आपको कि जब ये फिल्म खत्म होती है, फिल्म के खत्म होने पर क्रेडिट्स में यहाँ पर दिशा सालियान को भी याद किया गया है, उनके श्रद्धांजलि दिखाई गई है। इनफैक्ट यहाँ पर हर किसी ने, जब आपने देखा ही होगा, जब भी किसी ऐसे एक्टर को खो देते हैं तो यहाँ फिल्म थिएटर्स में कहीं ना कहीं उनको याद किया जाता है। ऐसा ही कुछ दिशा सालियान के साथ में भी हुआ है। जी हाँ, बता दूं आपको कि दिशा सालियान को इस फिल्म में याद किया गया है, उन्हें क्रेडिट्स दिए गए हैं और जो लोग भी ये फिल्म को देख के आए होंगे डेफिनेटली वो लोग इस बात को जरूर जानते होंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दिशा सालियान का नाम जो है वो रूही फिल्म के साथ में कैसे कनेक्टेड है, यही एक कारण है कि दिशा को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है, उन्हें याद किया गया है। वेल, आप लोगों को क्या है कहना इस बारे में, क्या आपको लगता है कि रूही फिल्म में दिशा सालियान को याद करना, इस पर आप लोगों की क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे? वेल, राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।